अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हमदा तंजील। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आजकल के बहुत ही हॉट और एक अपडेटिंग टॉपिक के ऊपर, वो है पिंक आइज़, जिसे आप लोग उर्दू में कहते हो अशुबे चश्म, और जिसे हम मेडिकल में बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो स्टूडेंट्स, आजकल हर दूसरा शख्स जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है, वो अशुबे चश्म या कंजक्टिवाइटिस या पिंक आइज़ जिसे हम कह रहे हैं, उसके मर्ज़ में मुब्तला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ये पिंक आइज़ है क्या, ये किस तरह से फैलता है एक से दूसरे शख्स को, और इसका इलाज क्या है और इसकी एहतियात क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले व्यूअर्स, जो सवाल आपके जहन में है वो ये है कि अशुबे चश्म मतलब पिंक आइज़ है क्या। तो ये आँख की एक बीमारी है जिसके अंदर हमारी जो आँख है उसका जो आपको वाइट एरिया नज़र आता है, ये पिंक कलर का आपको नज़र आना शुरू हो जाता है एक सोजिश की वजह से। अब ये जो सोजिश है ये हमारी आँख की एक तह होती है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं। इस कंजक्टाइवा के अंदर सोजिश होती है जिसकी वजह से आँख हमें लाल नज़र आना शुरू हो जाती है या पिंक नज़र आना शुरू हो जाती है। अब इस सोजिश की वजह क्या है? तो इस सोजिश की वजह दो चीज़ें होती हैं, या तो बैक्टीरिया या वायरस। ये दोनों ही ऐसे जरासीम हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, बैक्टीरिया हो या वायरस हो। तो जो पिंक आइज़ है, जो अशुबे चश्म है, जो कंजक्टिवाइटिस है, इसकी वजह बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। लेकिन जो अलामत आपको नज़र आएगी वो ये आएगी कि जो मरीज़ होगा उसकी आँखें आपको लाल मतलब उसकी आँखें आपको लाल या आँखें आपको लाल या पिंक नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और उसकी आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और जो मरीज़ होगा वो इस चीज़ की शिकायत करेगा कि उसकी आँखों में दर्द होती है जब वो किसी रोशनी वाली चीज़ को देख रहा है, और जब वो आँखों को ज़्यादा ज़ोर से बंद कर रहा है तब भी उसको आँखों के अंदर दर्द महसूस हो रहा है। तो ये जो है ये पिंक आई है, और अशुबे चश्म जिसे हम अपने उर्दू ज़ुबान में कहते हैं और मेडिकल में क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस। इससे मज़ीद वाजिया समझने के लिए आपको तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है नीचे, कि ये एक इंसान है जिसकी आँख के अंदर कंजक्टिवाइटिस मतलब अशुबे चश्म मतलब पिंक आइज़ हुआ है, और इसकी वजह बैक्टीरिया होता है और वायरस होता। अब जो सबसे अहम सवाल है जो आप सबके दिमाग में है कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल सा है। दो आई ड्रॉप्स हैं जो कि अपनी अपनी आँखों में डालने हैं, और वो आपने सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे 5-5 मिनट के वक्फे में अपनी आँखों में डालने हैं। और वो आई ड्रॉप्स हैं कौन से? सबसे पहला जो आई ड्रॉप है वो टोबरा डेक्स या टोबरा डी के नाम से आता है, जिसका फार्मूला टोबरा माइसिन प्लस डेक्सामेथासोन है। ये जो ड्रॉप है ये आपने दो कतरे सुबह, दो दोपहर और दो शाम में डालने, और इसके साथ एक और कतरा है जिसे हम कहते हैं FML 0.5%, और इसका फार्मूला है फ्लोरोमेथानोन। ये भी आपने दो कतरे सुबह, दो दोपहर और दो शाम में डालने, लेकिन 5-5 मिनट के वक्फे में। मतलब अगर आपने टोबरा डेक्स डाला है या टोबरा डी डाला है तो उसके आपने 5 मिनट के बाद FML डालना है, ताकि आपकी जो आँख है उसके अंदर जो कतरों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आँख से बहना जाए। अगर 5 मिनट का वक्फा दोगे तो वो अच्छे से आपकी आँख के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा और अपना एक्शन। अगर हम बात करें ओरल मेडिसिन की, ओरल मेडिसिन मतलब खाने वाली दवाई, तो व्यूअर्स वेरी क्लियरली इसके लिए कोई ओरल मेडिसिन नहीं है। आप किसी भी ओरल मेडिसिन से इसको ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप लाइट ब्रूफिन यूज़ कर सकते हो इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन एज अ पेन किलर, लेकिन आपको ओरल किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। आपको जो दो ड्रॉप्स बताए हैं उनकी इमेजेस आपको नीचे नज़र भी आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप ये 3 दिन मुसलसल ये ड्रॉप डालते रहोगे तो आपकी आइज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब वो एक दिन ड्रॉप डालते हैं तो आँख में काफ़ी बेहतरी आ जाती है, तो वो ड्रॉप डालना छोड़ देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 3 दिन से पहले आपने ड्रॉप्स को ख़त्म नहीं करना, मतलब आपने ड्रॉप्स मुसलसल 3 दिन डालने, बेशक आपकी आँख जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक क्यों नहीं हो। इससे अहम सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है? तो इसके फैलने की वजह यही होती है कि अगर कोई शख्स इस मर्ज़ में मुब्तला है, अगर आप उसके पास बैठो, अगर आपका उससे फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट है, आप उसके साथ बैठ रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो आपको अफेक्ट करेगा। अगर एक मदर है और उसका बेबी है वो जो फीड करता है, अगर वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उनका फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट होता है, उससे ये फैल सकता है। तो इसीलिए जिस इंसान को ये पिंक आइज़ या अशुबे चश्म या कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम होता है, वो क्या करे, वो ग्लासेस यूज़ करे।
वो ऐसी ग्लासेस यूज़ करे जो कि उसकी आइज़ के साथ प्रॉपर तौर पे फिट हो जाए, और उससे ये फ़ायदा होगा कि उसकी आँख से निकलने वाले जो वायरस और बैक्टीरिया हैं वो दूसरे की आँख के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इससे आपका जो पास रहने वाला शख्स है वो सेफ़ भी रहेगा और महफूज भी रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि इसके लिए इसका इलाज क्या है, इसका परहेज़ क्या है। तो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई शख्स इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उसको राहत मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।